हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गुप्ता और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहां पे एंटी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी आप अगर देखेंगे तो 4 आवर चार्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, जिसे एक मार्केट अभी एक ट्रायंगल शेप में फॉर्म हो रहा है, जैसे ये देख सकते हैं एक ट्रायंगल शेप फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट तो 27,400 के आसपास जाने वाला है। यहां पे मैंने थोड़ा फ्राइडे थोड़ा रिट्रेसमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक सपोर्टिंग लाइन आपको डाला था, शायद याद होगा। तो वहाँ से फ्यूचर मार्केट रिवर्स होने लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे 15 मिनट में मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे हम एंट्री ले सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में अभी आप देख सकते हैं ये 15 मिनट जो एक ट्राइंगल शेप में ले रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अभी प्राइस बैंक निफ्टी हायर हाई पॉइंट बना के जा रहा है, हायर पॉइंट बना के जा रहा है, हायर हाई हायर लो यहाँ से। तो अगर आपने यहाँ पे बाय के लिए एंटी किया तो आप अभी मार्केट चल रहा है 27,000 ऑलमोस्ट 27,000 राइट 27,016। तो आप इसका नीचे 26,929 का नीचे आप जो लोअर पॉइंट था इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसका नीचे, और टारगेट रहेगा। टारगेट के लिए मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस सीधा ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ से मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो मैंने लाइन एक ड्रॉ कर दिया और एक लोअर पॉइंट में भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से मार्केट आपने अगर यहाँ पे एंटी कर दिया, ये एरिया में आपने एंटी कर दिया, तो आपका एस एल इसका नीचे रहेगा और आपका टारगेट जो ये अपर रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब निकाल सकता है। तो फिर से मार्केट नीचे आ सकता है और ऐसे करके यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपको एंट्री करना है तो इसका नीचे असर लगा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।